हेलो फ्रेंड, पहाड़ी चटकारा में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फुल प्रोटीन से युक्त एक ऐसी दाल की रेसिपी जिसे खा के आप बहुत ही खुश हो जाने वाले हैं। ये उत्तराखंड की स्पेशल भटके डुबके की रेसिपी आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एक बाउल ब्लैक बर्ड, ये देखिए काले सोयाबीन बोल सकते हो, काले बर्ड बोल सकते हो, ब्लैक सोयाबीन बोल सकते हो, ये इस तरीके से उत्तराखंड में होता है। बहुत ही प्रोटीन रिच ये दाल है। अगर आप कोई प्रोटीन रिच रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट रेसिपी है। हमने दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देना है एक बाउल भट को। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये भीग चुके हैं। आप चाहो तो ओवरनाइट भी इसे भिगोने रख सकते हैं। अगर आपको जल्दीबाजी में बनाना है तो 3 से 4 घंटे के लिए एटलीस्ट आपको ये भिगोने रखना होगा। और हमने एक मिक्सर जार ले लेना है और उसमें हमने ये सारी दाल को डाल लेना है। और इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे, जैसे धनिया ले लिया है, अदरक ले लिया है और मिर्ची भी ले लेंगे साथ में। और साथ में हम इसमें लहसुन डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका एक स्मूथ हम पेस्ट बना लेंगे। हमारी दाल जो है पिस चुकी है, ये देखिए कितना फाइन इसका पेस्ट हुआ है। तो आप भी इस तरीके से फाइन पेस्ट बना लीजिएगा। एक कढ़ाई में तेल गरम करके हम कुछ लहसुन को कट करके इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिए लहसुन इसमें ज़्यादा डालें, क्योंकि लहसुन से इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। लहसुन को हमने बिल्कुल डार्क ब्राउन करने हैं, इस तरीके से बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसके बाद इस तरीके से लहसुन भुनने से। थोड़ा सा हम हींग डालेंगे इसमें, हींग का बहुत अच्छे से स्वाद आता है इसमें। और इसमें डालेंगे हम गेहूं का आटा। 3 चम्मच मैं यहाँ पे गेहूं का आटा डाल रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी किस हिसाब से कम ज़्यादा चाहिए, आप उस हिसाब से आटा इसमें कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और गेहूं के आटे को भी हमने अच्छे से इसमें भून लेना है ताकि कच्चापन ना आए। ये देखिए गेहूं का आटा भी हमारा परफेक्ट भून चुका है। अब हमने जो दाल पीसी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि दाल हमारी गाढ़ी है और वो सारी जम जाएगी। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो दाल इसमें अच्छे से घुल जाएगी। अब हम डालेंगे इसमें भट का पेस्ट और इसे मिला लेंगे। इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम डालेंगे पानी। 1 गिलास मैंने यहाँ पे पूरा पानी डाला है, क्योंकि हमने इसे पकने के लिए रखना है काफ़ी देर तक। तो उसमें पानी रखें ताकि ये अच्छे से पके और नीचे तला ना लगे। इस तरीके से आपने भी इसे इतना ही पतला बनाना है। कुछ मसाला ऐड कर लेंगे, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला और गरम मसाला। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। कोई फालतू मसाला इसमें हमने ऐड नहीं करना है। बहुत ही प्रोटीन रिच ये रेसिपी है फ्रेंड, और बहुत ही टेस्टी होती है। इसकी जो मिठास आती है खाने में, आप जब बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। लो फ्लेम पर हमने इसे पकाना है। तो अब हम इसे कवर कर लेंगे 25 से 30 मिनट के लिए एटलीस्ट, क्योंकि जब कम आंच में ये बहुत देर तक पकता है ना तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। 25-30 मिनट बाद देखिए हमारी जो दाल है ये गाढ़ी भी हो चुकी है। ये देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको इसमें पानी ऐड करना है तो थोड़ा आप इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ठीक है। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट बन के तैयार हुई है। और इसे स्वाद के लिए और थोड़ा गार्निश कर लेंगे हम हरा धनिया से। हमारे पहाड़ी भट के डुबके तैयार हैं। अब हम इसे परोस लेंगे। हमारे पहाड़ में स्पेशल इसे चावल के साथ खाया जाता है। बहुत टेस्टी होती है, इसकी मिठास बहुत ज़्यादा होती है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और काफ़ी मिठास होती है। इसकी मेन चीज़ यही है कि बहुत मीठी होती है, इसकी मिठास बहुत अच्छी होती है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।